सो so, क्या आपको पता है कि एक ईवी कार में जो सबसे कॉस्टली सबसे एक्सपेंसिव कॉम्पोनेंट जो होता है वो होता है उसकी बैटरी लगभग थर्टी टू फोर्टी परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कार इज द बैटरी पैक इट सेल्फ बिगर द बैटरी पैक कॉस्टलियर इट इज मोर एक्सपेंसिव द कार मोर एक्सपेंसिव द बैटरी पैक चलिए लेट्स ब्रेक इट डाउन फॉर यू गाइस आज इस वीडियो पे हम कवर करते हैं कि इन फ्यूचर अगर आपको अपनी बैटरी पैक को रिप्लेस कराना पड़े तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी सो मच सो अगर उसके सेल्स को रिप्लेस कराना पड़े तो क्या कॉस्ट आएगी सो नमस्ते एवरी मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया और एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में जो एक क्वेश्चन मुझे बार बार पूछा गया था वो यही है तो चलिए इसी को ही आपके लिए कवर करते हैं वीडियो पसंद आने से लाइक कीजिएगा चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर मेनी मोर सच फ्यूचर अपडेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी फर टाइम लेट्स स्टार्टेड लेट्स गोइंग तो चलो सबसे पहले चीज तो यह समझनी चाहिए कि हमें बैटरी रिप्लेसमेंट कंसिडर कब करना चाहिए राइट right? उसका मतलब यह है कि अपने ईवी की लाइफ स्पैन क्या होती है तो आप सबको पता ही है मेरे चैनल पे आपने वीडियोस देखी भी है कि एलएफपी और एनएमसी बैटरी इन दोनों का लाइफ स्पैन थोड़ा सा अलग अलग होता है एनएमसी बैटरी का लाइफ स्पैन छोटा होता है एल लाइफ एल एफ बैटरी का लाइफ स्पैन जो होता है वो बड़ा होता है ऑन एन एवरेज आज से पांच साल पहले की बात करते हैं जब एम जी ईवी या फिर टाटा नेक्स ईवी प्राइम जैसी गाड़ियों को कोना इलेक्ट्रिक जैसी गाड़ियों को जब इंट्रोड्यूस किया गया था उस वक्त यह मानना था कि एक EV गाड़ी की EV गाड़ी तो नहीं EV के बैटरी पैक की लाइफ अप्रोक्सीमेटली आठ से दस साल और किलोमीटर वाइज देखा जाए तो दो से ढाई लाख किलोमीटर कवर होती है इसीलिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज उस वक्त आठ साल और एक लाख साठ हजार किलोमीटर की वारंटी देते थे इसके बाद जैसे जैसे बैटरी डिग्रेड करती थी से, आ, सेल की या फिर बैटरी पैक की जो स्टेट ऑफ हेल्थ होती है वो डिक्रीज होती थी तब जाके बात आती थी कि अच्छा अब बैटरी रिप्लेस की जाएगी हाउएवर थिंग्स थिंग्स इवॉल्व एट अ वेरी रैपिड पेस। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट टू थाउजेंड एंड सेवन यस 2007, yes, 2007 जब इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर में काम होना स्टार्ट हुआ लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर में काम करना स्टार्ट हुआ उस वक्त जैसा कि आपको पता है एक बैटरी पैक का एक कैपेसिटी होती है लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल एक फिफ्टी किलो वॉट आर की बैटरी पैक राइट right? उस वक्त ईच किलो वॉट हर एक किलो वॉट आर की बैटरी पैक का एक सीरीज ऑफ सेल्स होते हैं उन सीरीज ऑफ सेल्स को जोड़ जोड़कर एक बैटरी पैक के पूरे पैक को क्रिएट किया जाता है एक किलो वॉट का जो सीरीज ऑफ सेल्स होता था उसका कॉस्ट होता था अप्रोक्सीमेटली एक लाख रुपए अस्सी हजार से एक लाख रुपए फास्ट फॉरवर्ड 2025 आज के डेट पर यही वन किलोवाट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लिथियम आयन एन पे एल एफ और एनएमसी से कोई मतलब नहीं फास्ट फॉरवर्ड 2025 वो एक वन किलोवाट आर की जो बैटरी पैक की जो सीरीज होती है उसका कॉस्ट के आ गया है कुछ अप्रोक्सीमेटली समझ लो दस हजार से बारह हजार And again guys, 10 to 11, जो मैं आपको बता रहा हूं दीज आर बेसिसन ऑनलाइन एंड वट एवर इंफॉर्मेशन दई कड गैदर फ्रॉम दंपनीस होती है उनसे सो फॉर क्लियर एक चीज जो कॉमन हमें यहाँ पे दिख रही है कि बैटरी पैक का जो कॉस्ट है वो घटते जा रहा है और बैटरी पैक की जो कैपेसिटी है वो बढ़ते जा रही है तो ये तो क्लियर हो गया है कि फ्यूचर में भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी पर किलोवाट कॉस्ट कम होती जाएगी एंड बैटरी पैक जो है वो बड़ी होती जाएगी फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनी इंडियन मेकर जो गाड़ी मैं चलाता हूं टाटा नेक्सॉन ईवी मैंने गाड़ी खरीदी थी अप्रोक्सिमेटली सत्रह लाख में चलो इसका जो बेस मॉडल है तेरह लाख का आता है और इसकी जो बैटरी पैक है वो अप्रोक्सीमेटली आज के डेट पे 45 किलोवाट अगर आपके स्क्रीन पे मैं कैलकुलेशन दूं तो सिर्फ और सिर्फ बैटरी सेल्स का प्राइस जो है वो कुछ आ जाता है पांच लाख साढ़े पांच लाख अप्रोक्सीमेटली अब इसके ऊपर में उसका जो कूलिंग एजेंट है वो एड होता है बैटरी का बी जो होता है वो एड होता है तो कुल मिला कुछ अप्रोक्सीमेटली सात से आठ लाख रुपए का वो बैटरी पैक का कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली फोर्टी परसेंट ऑफ द कार्स प्राइस इट सेल्फ ना ये हो गया नेक्स ऑन अभी जैसे जैसे आपकी गाड़ियां महंगी होती जाएंगी वो सेल की पैक भी महंगी होती जाएगी फॉर एग्जाम्पल अपनी जो समझ लीजिए महिंद्रा की जो गाड़ी है एक्सिवी नाइन ई थर्टी लैक्स की गाड़ी है उसका बैटरी पैक कॉस्ट करेगा सेवनटी नाइन किलोवॉट का अप्रोक्सिमेटली बारह लाख रुपए एंड दीज आर ऑल अप्रोक्सिमेट फिगर्स ट्वेल्व लाख रुपीज बात करें अगर सी लाइन सेवन और मर्सिडीज एंड ऑल दैट तो प्रोपोर्शनेटली आप उसको फोर्टी परसेंट थर्टी टू फोर्टी परसेंट फोर्टी फाइव परसेंट इमेजिन कर सकते हैं तो यहां पे ये तो आपको क्लियर हो गया कि आज के डेट पर अगर मैं अपनी नेक्सॉन की बैटरी पैक को चेंज पूरी करवाना चाहूं तो मेरा कॉस्ट पड़ेगा कुछ सात से आठ लाख रुपए हाउएवर देर इज अ कैच वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है लॉजिकली क्या होने वाला है इन द फ्यूचर ओके वीडियो so, में बने रहो और पूरी इंफॉर्मेशन आराम से सुनो बट देर इज अ गुड न्यूज नाउ वॉट आर गुड न्यूज टू गुड न्यूज वन बहुत सारी कंपनीज अपनी बैटरी पैक पे लाइफ टाइम वारंटी जो है वो इश्यू कर दे रही है एंड एंगाइज बिफोर यू जंप ऑन टू द कंक्लूजन जो मैंने पहले बोला कि एक बैटरी का लाइफ स्पैन जो मैंने बोला कि आठ से दस साल या फिर दो लाख ढाई लाख किलोमीटर वो उस वक्त समझा गया था उसके बाद बहुत टेक्नोलॉजिकली चेंजेस जो है वो आए हैं आज के डेट पर मेरे हिसाब से एक एनी एनी एल एफ पी बैटरी जो 400 की रेंज अप्रोक्सीमेटली देती है वो मेरे हिसाब से सात से आठ लाख किलोमीटर चलने की कैपेबिलिटी रखती है एंड सिमिलरली एक एनएमसी बैटरी जो भी चार लाख सॉरी जो भी 400 की रेंज देती है वो भी पांच लाख पांच से छह लाख किलोमीटर चलने की कैपेसिटी रखती है ओके okay? और ये बहुत ज्यादा किलोमीटर होते हैं गाइस बट जो गुड न्यूज है वो हमारे पास लाइफ टाइम वारंटी आ गई है दूसरी गुड न्यूज जो मैंने आपको बताया कि अपनी सेल्स की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे सस्ती होती जा रही है सो मच सो कि आज से अगर चार पांच साल की बात भी करें तो थर्टी टू फोर्टी परसेंट प्राइसेस कैन बी लोअर टेक्नोलॉजी एज वी ऑल नो इज अवर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी इन इट सेल्फ राइट right. सो so, अभी तो लिथियम आयन बैटरीज चल रही हैं बहुत जल्दी सोडियम आयन बैटरीज पर काम चल रहा है सोडियम आयन जब आएंगी तो वो और सस्ती हो जाएंगी बट ये फ्यूचर स्टेट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर स्टेट ओनली अच्छा अभी तक क्योंकि देखिए टेक्निकल थोड़ा सा ज्ञान है तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं अगर समझ में आ रहा है अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर से दबाइएगा एक हार्ट

वॉट इज माई लॉजिकल थिंकिंग एग्जाम्पल लेते हैं मेरी नेक्सॉन ईवी कालोव की ठीक है समझ लीजिए अभी इस पर लाइफ टाइम वारंटी है बट आज से समझ लो दस साल बाद अगर इसमें लाइफ टाइम वॉरंटी नहीं होती तो आज से दस साल बाद कुछ अप्रोक्सीमेटली आफ्टर टू लाख किलोमीटर चलने के बाद में सेल में प्रॉब्लम आती सेल डिप्लीट कर जा रही है रेंज कम गया है बैटरी में प्रॉब्लम आ रही है सडनली बंद हो जा रही है वगैरह वगैरह जो एक कॉमन प्रॉब्लम हम सब ने देखी है फेस भी हम सब बहुत लोगों ने की है की है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक हैंड्स अप या कुछ दीजिएगा समझ जाओ कि हाँ आपने भी हमारे तरह में बीटा टेस्टर हो ईवी स्पेस के तो समझ लो कि मेरी बैटरी पैक का स्टेट ऑफ हेल्थ एट द एंड ऑफ टेन ईयर्स पहुंच जाता है एटी परसेंट ओके

अब अगर समझो मैं टाटा के पास जाता हूं और उनको बोलता हूं कि मेरी बैटरी पैक में प्रॉब्लम है सबसे पहले वो बोलेंगे आउट ऑफ वारंटी अगर वारंटी के बाहर है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप करोगे तो वो वारंटी लाइफ टाइम वारंटी होने के बावजूद भी नहीं मिल सकती है आयरा ऐप नहीं रखा तो बैटरी को सही से चार्ज नहीं किया तो वगैरह वगैरह बहुत कुछ है स्टेट ऑफ हेल्थ अगर थ्रेश के नीचे आ गई तो तो ऐसा बहुत कुछ है तो वो बोलेंगे कि सर देखिए आपकी आपके सेल्स जो हैं और मान और अब यहां पर बात समझो मैंने क्या बोला आपको देर आर सीरीज ऑफ सेल्स समझ लो हर एक वन पर किलो वॉट आर में एक सीरीज ऑफ सेल्स है समझ लो दस सेल का एक आर का एक सीरीज बन रहा है किसी एक पर्टिकुलर किलो वॉट आर की सीरीज में कोई एक पर्टिकुलर सेल्स जो है उनका वोल्टेज कम हो गया है जिसकी वजह से गाड़ी जैसे ही उस पर्टिकुलर सीरीज पे पहुंचती है वो लो परफॉर्म करती है या बंद कर जाती है। तो वो मुझे बोलेंगे कि सर देखिए आपकी बैटरी पैक जो है उसमें प्रॉब्लम है और ये मेरा लॉजिक जो कहता है तो हम आपको एक ऑफर देते हैं कि ये सेल्स आपकी रिप्लेस होंगी और ये सेल का समझ लो कॉस्ट है कुछ अप्रोक्सीमेटली एटी थाउजेंड रुपीज आम जस्ट सेम हो सकता है ये तो मैंने एक सीरीज बोली हो सकता है ऐसी आठ सीरीज है आठ सीरीज अलग अलग सीरीज या फिर आठ सेल्स अलग अलग सेल्स डैमेज हुए हैं कुछ भी है, समझ लो और समझ लो कॉस्ट बोला जाता है अस्सी हजार अभी कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है नहीं पता तो हो सकता है वो मेरे को बोलेंगे सर या तो आप ये अस्सी हजार रुपए दो और हम आपकी गाड़ी का सेल निकाल बैटरी पैक निकालेंगे अपने प्लांट में भेजेंगे प्लांट से आएगा रिप्लेस होके तब लगा देंगे तब तक गाड़ी आपकी हमारी शोरूम में खड़ी रहेगी डीलरशिप में खड़ी रहेगी या फिर एंटल वो टेक्नोलॉजी अगर डेवलप कर गई कि हर सर्विस सेंटर पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आ गया तो जो मुझे डाउट है मुझे डाउट है मुझे नहीं लगता है हाँ, फिलहाल जैसे खाली पुणे में प्लांट है तीन चार प्लांट्स और ज्यादा बन सकते हैं जिसके वजह से फे, बोल सकते हैं कि सर देखिए नया बैटरी पैक जो उस टाइम पर आठ लाख का हुआ करता था आज के डेट पर वो पांच लाख का है और आपकी जो करंट सेल की अगर हम वैल्यूएशन निकालें तो वो लगभग तीन लाख रुपए हैं। तो या तो आप ये अस्सी हजार रुपए देकर इसको रिपेयर करवा लो या तो ये बैलेंस का दो लाख देकर एक रिफर्बिश्ड बैटरी विद हंड्रेड परसेंट एसओएच ले लो आप बताओ कमेंट सेक्शन में आप क्या करोगे अभी बताओ ओके मैं बताता हूं मैं क्या करता अगर ऐसा ऑपरचुनिटी मिले आफ्टर टू लाख किलोमीटर जहां पर मेरे हिसाब से मैंने पंद्रह लाख रुपए एटलीस्ट पेट्रोल या डीजल पे बचा लिए हैं उन दस सालों में दो लाख रुपए देकर अगर फिर से मुझे एक नई फ्रेश बैटरी पैक मिल जाए तो व्हाई नॉट डोंट यू थिंक सो अग्री करते हो तो एक अप कमेंट सेक्शन में देना डिसअग्री करते हो तो एक थम्स डाउन कमेंट सेक्शन में, तो में दे देना साथ साथ जब थम्स अप थम्स डाउन दे रहे हो तो वीडियो को भी लाइक करते मैं बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि आप सब आते हो इतने सारे प्यार इतना प्यार दिखाते हो वीडियो को देखते हो व्यूज इतने ज्यादा है बट लाइक्स नहीं है कमेंट्स नहीं है मोटिवेशन मिलता है भाई को आपके बात समझो तो ये है तो लेट्स समराइज तो मूल व्हाट इज द समरी ऑफ दिस इन फ्यूचर नंबर वन फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर गिविंग टाइम वारंटी तो अच्छी बात है टेंशन कम है बट लाइफ टाइम वारंटी होने के बावजूद भी देअ माइट बी अचुएशन जहां पर आपको वारंटी कैंसिल हो जाएगी बोला जाएगा कि वारंटी नहीं मिलेगी तब अगर सेल रिप्लेस करना है तो दो चीजें हो सकती हैं या तो पर्टिकुलर सीरीज या तो पर्टिकुलर सेल्स या तो सेल का जो बैटरी पैक है उसका वैल्यूशन करके जो भी एक्स माइनस वाई करके आपको बता दिया जाएगा और रही बात कॉस्ट की तो आज ये कॉस्ट डिटरमिन करना नामुमकिन है आज से पंद्रह साल पहले पंद्रह साल चलो सत्रह साल पहले एट टाइम्स ऑफ द कॉस्ट था आज वो आठ गुना सस्ता है तो आज से चार साल में तो इवॉल्व फटाफट कर रहा है तो और चालीस परसेंट सस्ता हो जाएगा करेक्ट तो ये कोई भी कंपनी अगर आपको बोल दे कि सेल फ्यूचर में सेल की वैल्यू ये रहेगी वो नहीं बोलेंगी और इसीलिए आपको ये जवाब कहीं नहीं मिल रहा है बट मैंने कोशिश की कि आपको एक यार्ड स्टिक एक बेंचमार्क समझा सकूं जिससे आपको अपने फ्यूचर पे ये इवेल्युएट करने में आसानी हो जाए में छोड़ना और चैनल को सब्सक्राइब करना इससे ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहूंगा आई होप इतने तक में पहुंच गई अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो अपनी कंसल्टेंसी सर्विस मस्त चल रही है आपके आशीर्वाद से हमारा एक कॉल बुक करे देट्स गई सो बुक एन अपॉइंटमेंट If you have any questions, I give many type of services: 10 minutes, 15 minutes, and a comprehensive service for EV buying guidance. There is a link in the website. There is a link in the description. Go check it out. And there is a number on your screen as well. You can reach out through WhatsApp with me directly as well over a message. And I'll be more than happy to discuss your options with you. And on that note, this is Nikhil signing off, very soon ek or informative video kasat. Till then take care. God bless. Love you guys.